हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और सेफ होंगे। आजकल एक्चुअली ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से ग्लव बनाना बताऊंगी। ये हमारे बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग। आप जो शॉपिंग के लिए बैग यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसमें हम जैसे सब्जी वगैरह डालते हैं, तो ये वो वाला बैग है। तो इसके साथ हम आज घर में बहुत ईजीली ग्लव बना सकते हैं। इस आपको एक बैग चाहिए होगा, वो ये वाला बैग हो या आपका शॉपिंग बैग हो कोई सा भी। और एक उसके लिए इस तरह से आपको हाइलाइटर चाहिए होगा या मार्कर, कुछ भी आप ले सकते हैं, पेन जिसके साथ आप इसके ऊपर ड्रा कर सकें। अब हमने ये नीचे कोई हार्ड आप सरफेस ले लें, कोई चीज़ रख लें या किसी हार्ड सरफेस के ऊपर आप इसे रख लें। अब आपने क्या करना है कि यूँ इस क्योंकि हमें अपना हाथ जो है इस तरह से उसमें एंटर करना होता है, इसलिए हमें जो जो स्टार्ट लेना है वो उसका इतना एटलीस्ट जितना आपके हाथ का साइज है आप उसे रखेंगे इसी तरह से। और उससे तकरीबन आप एक एक सेंटीमीटर इधर एक्स्ट्रा से भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे हाथ की कितनी लेंथ है। ये देखें, यहाँ से ये हमारे हाथ की यहाँ से लेके ऐसे हमारी यहाँ तक लेंथ आ रही है, इधर तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि ये वाली जो चीज़ है हमें इसको वाइडर बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो यहाँ से तो हमने अपना हाथ ड्रॉ करना है, लेकिन इस साइड से क्योंकि हमें अपना हाथ एंटर करना है ग्लव के अंदर, तो इसे हम इस तरह से ले लेंगे ऐसे। अब हम अपना हाथ ड्रॉ करेंगे ऐसे। आपने अपना हाथ खोल लेना है यूँ इस तरह से, ताकि इजीली जितनी हमारी उंगली, ये वाली फिंगर जो है ये मोटी है, उतनी ही बिल्कुल हमने इसको साथ जोड़ के नहीं हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि अदरवाइज तो फिंगर एंटर ही नहीं हो सकेगी इसके अंदर। अब आपने इस तरह से इसको यूँ ऐसे अपना हाथ पूरा खोलना है ऐसे, और यहाँ से हमने इस तरह से, ये देखें आप, ऐसे आपने इसको ड्रॉ कर लेना। देखें आपने ऐसे खुला खुला सा इसे ड्रॉ करना है। अब आप इस तरह से कैंडल ले लें, या आप चूल्हे के ऊपर चूल्हे के साथ इस तरह से छुरी को गर्म कर लें आप कैंडल के साथ, यूं ऐसे। और यहाँ से आपने अब बहुत एहतियात के साथ जिधर जिधर हमने मार्क किया हुआ है, ये देखें आप, ऐसे इस तरह से हम काटते जाएंगे इसे। अब यहां से आपने जितना लंबा इसे रखना है आप इसे रखें और फिर काट लेंगे। ये देखिए हमारा ग्लव जो है इस तरह से, इसी तरह से आप दूसरे हाथ का भी बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये ग्लव
तैयार है। आप इसी तरह से जितने मर्ज़ी आप जितने आपके घर में बैग्स पड़े हैं आराम से जितने मर्ज़ी आप बनाएं और शॉपिंग करें और आके ये डिस्पोजेबल टाइप हैं तो आप इसे फेंक दें तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्लब्स जो हमने बनाए हैं, होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप इन्हें बनाएंगे ज़रूर। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए और तो इन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।